धर्मा लाइफ पर मैं हूं आपके साथ चेतना एंड वेलकम टू योर वीकली टैरो करियर गाइडेंस। करियर जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, ये तो हम जानते ही हैं। ऐसे में आजकल जैसा माहौल चल रहा है, करियर को लेकर थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी होना लाजमी है। तो आपके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको देने वाली हूँ आपके लिए स्पेसिफिक आपकी सिचुएशन की टैरो गाइडेंस। अब कैसे आपका क्वेश्चन जो कि काफी यूनिक हो सकता है उसको मेरा टैरो देगा एक खास सोल्यूशन। देखिए मेरे पास ना आपके लिए तीन चॉइसेस हैं, उनमें से एक आपको पिक करनी है, वही होगा आपका सोल्यूशन। अब कैसे पिक करना है ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। मेरे पास है यहाँ पर आपके लिए तीन क्रिस्टल्स। सबसे पहला क्रिस्टल जो है ये ब्लैक टॉर्मेलिन, जो कि देता है नेगेटिविटी से सुरक्षा। दूसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास वह है क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि लाता है पॉजिटिविटी एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड। और तीसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है यहाँ पर पिंक क्वार्ट्ज या रोज क्वार्ट्ज, जो कि लाता है लव एंड उससे रिलेटेड सक्सेस एंड अबंडेंस या फिर क्रिएटिविटी भी। तो ऐसे में इन तीनों ही स्टोन्स में से, इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उससे जुड़ी रीडिंग बन जाती है आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आता है क्रिस्टल नंबर वन तो पायल नंबर वन है आपकी रीडिंग, क्रिस्टल नंबर टू तो पायल नंबर टू, और क्रिस्टल नंबर थ्री तो पायल नंबर थ्री। अभी के लिए शुरुआत करते हैं क्रिस्टल नंबर वन यानी कि ब्लैक टॉर्मेलिन के साथ। फिर आपने चुना ब्लैक टॉर्मेलिन यानी कि पायल नंबर वन, तो यह है आपकी रीडिंग। अब ऊपर से सबसे पहले मैं आपको एक ये चीज़ बता दूं कि अगर आपको मन में थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी हो रही है, थोड़ी सी भी परेशानी कुछ मन में चल रही है, तो उसको निकाल दीजिए। जो डिसीजन आपने लिया है वो बिल्कुल सही है, जो डिसीजन आप लेंगे वो भी गाइडेड ही रहेगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेट मी बिगिन विद योर फर्स्ट कार्ड। ये जो कार्ड है ये मुझे साफ दिखा रहा है कि पिछली जिस भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिव फील्ड या किसी और फील्ड या फिर एजुकेशन जिसमें भी आप रहे, वहाँ पर आपका काम पूरा हो चुका था, आपको उससे ज़्यादा वहाँ पर कुछ मिल नहीं सकता था, तो आपने एक कॉन्शियस डिसीजन जो है वो लिया कि आप आगे बढ़ेंगे उस जगह से, और आपको वो मौका भी मिला कि आप आगे बढ़ सकें। अब क्योंकि आप आगे बढ़े तो उसके बाद ये जो है ये आपका अभी का समय है। आपको ये ज़रूर लग रहा हो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, आप शायद इस पोजिशन को क्या पता कर पाया नहीं, कहीं ना कहीं ये ना एक सेल्फ डाउट जो है उसका एक सवाल हो जाता है। मगर आपको यही कहा जा रहा है कि अपने सेल्फ डाउट को छोड़ दीजिए, ये भूलिए मत कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं, और आप जो अभी करेंगे वो कल को आपको बहुत अच्छा काम जो है वो लाकर देगा। तो ऐसे में आपका अपना विल, आपकी अपनी विजडम, आपका अपना माइंड जो है यही आपको आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे में अभी के लिए अगर मन में थोड़ी सी भी शंका है, थोड़ी सी भी परेशानी है, तो उसको हटा दीजिए। आप जहाँ पर हैं, जिधर भी हैं, वहाँ के लिए किसी भी तरीके का इम्पोस्टर सिंड्रोम, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम जो होता है वो ना रखें कि पता नहीं मैं यहाँ के लायक हूँ या नहीं हूँ, राइट? आगे बढ़िए, आपका आने वाला फ्यूचर जो है वो आपके लिए बिल्कुल सही है। अभी जहाँ पर है वहाँ पर टिके रहिए और बस अपनी मेहनत को करते रहिए। उसको पहचानने के लिए लोग भी हैं जो आपको बहुत करीब से देख रहे हैं, वो आपको पहचानेंगे भी और आपको आगे भी बढ़ाएंगे, और आने वाला समय आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, पोजिशन या अबंडेंस जो आपको चाहिए वो लेकर आएगा। तो ये थी पाइल नंबर वन की रीडिंग, अब चलते हैं पाइल नंबर टू की तरफ। अगर आपने चुना है क्लियर क्वार्ट्ज यानी कि क्रिस्टल नंबर टू, तो ये है आपकी रीडिंग। एंड सबसे पहले तो मैं चाहती हूं कि इस रीडिंग की शुरुआत में मैं आपको ये बताऊं कि गहरी सांस लीजिए, उसे छोड़िए, और ग्रैटिट्यूड जो है उसको मन में लाइए। जैसे कहते हैं ना, धन्यवाद की भावना को अपने मन में लाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इस धन्यवाद की भावना को आप अपने मन में रखें। इस समय आपके आसपास जो भी है, ट्रस्ट मी, वो आपके लिए बेस्ट है। इनफैक्ट आप खुद भी ये चीज़ जानते हैं, हाउ लकी एंड हाउ ब्लेस्ड यू आर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्यूचर की सोच में आप अपने प्रेजेंट को थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं, वो चीज़ मत कीजिए। लेट मी बिगिन विद योर कार्ड। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड दैट इज़ देयर फॉर यू, और ये कार्ड मुझे बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि भाई आपने अपनी तरफ से जो चुना है वो या तो आपका ड्रीम जॉब है या आपका ड्रीम करियर, और ये आपको अपने आप मिला है। लाइक यू द काइंड ऑफ पीपल हु हैव अ नैक फॉर योर पर्टिकुलर ट्रेड, राइट? वो होता है ना, कुछ लोग बहुत अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। आप उन कुछ बहुत अच्छे जीनियसेस में से एक हैं, और ऐसे में अभी के लिए परेशानी में समझ रही हूँ कि कहाँ आ रही है परेशानी। यहाँ आ रही है परेशानी, आ रही है मैनेजमेंट करने में, परेशानी आ रही है चीज़ों को शेड्यूल करने में, परेशानी आ रही है चीज़ों को अपनी तरफ से सेटल करने में, और एक टाइम टेबल फॉलो करने में तो बहुत परेशानी आ रही है, राइट? मगर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि टाइम टेबल अगर आप फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो भी इट्स ओके। ऑल यू नीड टू डू इज टेक अ ब्रीदर। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को फिक्स रखें। जो चीज़ें आप फिक्स रखेंगे उनके बारे में बात कर रही हूँ, अपने मन की शांति को,
फिक्स्ड रखिए, अपने आसपास के फाइनेंसेस को फिक्स्ड रखिए, जिन जिन चीज़ों पर आप ध्यान देना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है उनको फिक्स्ड रखिए, सेविंग्स जो है उनको फिक्स्ड रखिए, और उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आने वाला जो समय है ये थोड़ा डिफरेंट भी है। आने वाला समय जो है ये आपसे कह रहा है कि यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ योर मैस्कुलिन एनर्जी ऑफ ऑलवेज डूइंग 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 एंड बिकमिंग वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। या व्हेन आई टॉक अबाउट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, दीज आर टू ट्रेट्स ऑफ अ पर्सनैलिटी, इनका जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। अभी आपको उस प्लानिंग और सोच से आगे बढ़ना है, अब आपको क्रिएटिव बनना होगा। आने वाले समय में आपको यही बताया जाएगा कि अपने थर्ड आई से काम कीजिए, राइट? सी दिस लेडी हैज़ अ ब्राइट थर्ड आई ऑन हर, हाँ। तो आपको बोला जाएगा कि अपनी थर्ड आई जो है उससे काम कीजिए, आगे बढ़िए और क्रिएटिविटी को फ्लो करने दीजिए, तभी आप अपने करियर या जिस भी जॉब में हैं आप, जहाँ भी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके अंदर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग। और ऊपर ऊपर मैं सबसे पहले आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि देर आर सम पीपल हु आर वेरी 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 गुड टीम लीडर्स, देर आर सम पीपल जो कि ग्रुप में बहुत अच्छा काम करते हैं, ग्रुप को लीड भी बहुत अच्छा करते हैं, मगर इससे उनकी इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है, उनके इंडिविजुअल जो टैलेंट्स हैं वो सामने नहीं आते हैं। ऐसे में आप उनमें से एक हैं। आपकी जो ट्रेनिंग रही है, आपका जो मेंटरशिप रहा है, आपका जो भी यू नो स्किल्स रहे हैं, वो हमेशा एज अ ग्रुप आपने इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली, मेंटर्स बहुत अच्छे मिले, काम बहुत अच्छा किया आपने, बहुत वाहवाही भी मिली, मगर अब समय आ गया है कि आप अपने लिए, खुद के लिए काम करें। ऐसे में इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग आउट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू आर समवन हु इज़ लुकिंग आउट टू स्टार्ट योर ओन वेंचर, स्टार्टअप, वट एवर इट इज़ दैट यू बिलीव कि आपको शुरू करना है, तो आपके लिए ये बिल्कुल सही समय है। इनफैक्ट अभी से अगर आप मेहनत करना शुरू करते हैं तो अगले 7 महीने के अंदर द सन विल बी शाइनिंग ऑन यू माई फ्रेंड। और आपको अकेले बढ़ने की बहुत ज़रूरत है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे बताई जा रही है। हर चीज़ में सब लोग साथ नहीं होते यार, समटाइम्स पीपल बिकम लाइक, आई नो इट इज़ नॉट द नाइसेस्ट थिंग टू से, बट पीपल डू बिकम डेड वेट, यू नो। वो कुछ लोग होते हैं जो आपको पॉजिटिविटी नहीं देते, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आपके सपनों पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। समय आ गया है उन लोगों को अब पीछे छोड़ देने का, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ने वाले हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। लाइक वो होता है ना, लोग सोचते हैं कुछ महीनों बाद कि यार हमने तो इस बंदे को उस वाले पॉइंट पे देखा था, ये आज इतना अमीर कैसे बन गया, इतना इन्फ्लुएंशियल कैसे बन गया, इतना क्रिएटिव कैसे बन गया, इतना फेमस कैसे बन गया। ये सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं, मगर मगर उसके लिए थोड़ी सी और चीज़ें जो है जो कि आपके फ्यूचर में आएंगी, आपको शायद ट्रैवल का मौका जो है वो भी मिल सकता है, मगर तब ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगेन डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा बाकी के लोगों की बातों से। हमारे अंदर होता है कि हम अपने गोल्स को या हम अपनी बातों को बहुत जल्दी एक्साइटमेंट में शायद लोगों के सामने एक्सप्रेस कर देते हैं, मगर उससे ना कुछ नहीं होने वाला है, उससे यू विल फॉल मोर इन ट्रबल, आपको परेशानी जो है आगे वो ज़्यादा होगी। तो अभी के लिए आपको मैं ये इंसिस्ट करूँगी कि अपनी तरफ से कोशिश करें कि बाकी लोगों की बातों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, बाकी लोग जो कर रहे हैं उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि आने वाले समय में आपको कुछ बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत मिलने वाला है, बट वो तभी मिलेगा जब आज की पॉजिटिविटी को आप मेंटेन रखें। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 3 यानी क्रिस्टल नंबर 3, तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। ये भी बताइए कि आपने कौन सी रीडिंग चुनी, 1, 2 या 3। और साथ ही साथ ऐसी ही और गाइडेंस और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।